PH News, सबसे अलग। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और यह उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था, 1857 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आप बैठिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीरंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है। मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय एडॉप्ट एन एनैक्ट एंड गिव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रीएम्बल का ठोकर रहे हैं। सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानो में और नफ्ते जोहर में जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा? न्यूरम्बर्ग रेस लॉज और इसराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप हाउस को बचाइए।